डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आपका आज का लेक्चर नंबर 7 दैट इज़ होमियोस्टेसिस। आपका जो यूनिट नंबर 11 है, होमो का मतलब अगर आप देखें, होमो का मतलब होता है सेम। इसके बावजूद कि आप अपने एनवायरनमेंट पे गौर करें, देयर इज़ कंटिन्यूस चेंज इन टेम्परेचर। आपके अराउंड सुबह के टाइम और टेम्परेचर होता है, दोपहर को और होता है, शाम को और होता है और रात को और टेम्परेचर होता है। तो टेम्परेचर इज़ चेंजिंग कंटिन्यूसली अगर आप इसको देखें। लेकिन आप अपने बॉडी टेम्परेचर को नोट करें तो दैट इज़ 37 डिग्री, एक नॉर्मल टेम्परेचर है। अगर जो आपके इन्वायरमेंट में चाहे टेम्परेचर 45 पे चला जाए, चाहे 1 पे चला जाए, लेकिन आपकी बॉडी का टेम्परेचर सेम रहता है, तो इसको कहा जाता है होम्योस्टेसिस। इसके बावजूद कि आपके एनवायरनमेंट में टेम्परेचर लगातार चेंज हो रहा है, लेकिन बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहता है, दैट इज़ कॉल्ड होम्योस्टेसिस। उसके बाद अगर आप एक और चीज़ देखें, आपके ब्लड के अंदर जो शुगर की मिकदार है, दैट इज़ 1 ग्राम पर लीटर। यानी आपके हर 1 लीटर खून के अंदर शुगर की मिकदार 1 ग्राम होनी चाहिए। इसके बावजूद कि हम सारा दिन मुख्तलिफ चीज़ें खाते हैं, मीठी चीज़ें खाते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स यूज़ करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे खून के अंदर जो कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज है वो 1 ग्राम पर लीटर ही रहती है। अगर इसे ज़्यादा या कम होगी तो दैट इज़ इट्स मीन कि आप बीमार हैं। अगर आपके अंदर ग्लूकोज की मिकदार ज़्यादा हो जाती है 1 ग्राम पर लीटर से, तो इट्स मीन यू आर डायबिटिक, तो आपको शुगर हो सकती है। अगर इससे कम होगी तो इसका मतलब है वो भी ख़तरनाक है। शुगर की मिकदार कम होने से इंसान बेहोश हो जाता है, दैट इज़ डेंजरस। तो टॉपिक था होम्योस्टेसिस, कि हमारी बॉडी के अंदर जो इन्वायरमेंट में चेंजेस हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, टेम्परेचर भी उतना ही रहता है बॉडी का और फ्लूइड्स की मिकदार भी उतनी रहती है, देयर विल बी नो चेंज। अगर हम इसे गौर करें तो एग्जाम्पल जो है इसकी होम्योस्टेसिस की, वो ऑस्मोरेगुलेशन, थर्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन। तो तीन इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो आपके सामने, एक ऑस्मोरेगुलेशन है, उसके बाद थर्मोरेगुलेशन है और उसके बाद एक्सक्रीशन है। तो फ्लूइड्स की मिकदार को, पानी को और साल्ट्स को आपकी बॉडी के अंदर मेंटेन रखना, दैट इज़ कॉल्ड ऑस्मोरेगुलेशन। फ्लूइड्स एंड साल्ट्स की क्वांटिटी को अगर आपकी बॉडी में मेंटेन रखेंगे तो आपके जो एंजाइम हैं बॉडी के अंदर वो अच्छा काम करेंगे, आप डिफ्यूजन ऑस्मोसिस होगी, उससे सेल के अंदर चीज़ें एंटर और बाहर आती रहती हैं। उसके बाद थर्मोरेगुलेशन, थर्म नाम से जाहिर है, थर्म हीट को कहते हैं। तो बॉडी का टेम्परेचर 37 दैट नॉर्मल टेम्परेचर। या 96.5 फॉरेनहाइट, क्योंकि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपका टेम्परेचर जब नोट करता है तो वो आपको 37 डिग्री नहीं बताता, वो बताता है ये 97 है या 98 है या कुछ है या 100 है, दैट इज़ फॉरेनहाइट। अगर 100 डिग्री कहेगा तो दैट इज़ रॉन्ग, क्योंकि 100 डिग्री तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है। तो इस मीन कि अगर आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है ऑलवेज रिमेन कॉन्स्टेंट, दैट इज़ कॉल्ड थर्मोरेगुलेशन। उसके बाद एक्सक्रीशन है, एक्सक्रीशन का मतलब है आपकी बॉडी में से वेस्ट मटेरियल का बाहर जाना। अगर वेस्ट मटेरियल बॉडी के अंदर रहेंगे दैट विल बी डेंजरस, दे आर पॉइजनस, और पॉइजनस है तो फिर आपकी लाइफ को ख़तरा हो सकता है। तो ये था होम्योस्टेसिस में। उसके बाद जो अगला टॉपिक आपका है होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स। तो प्लांट्स की बॉडी के लिए भी होम्योस्टेसिस ज़रूरी है। तो प्लांट्स के अंदर जो वेस्ट मटेरियल पैदा होते हैं, अगर देखें तो सबसे पहले रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन है,
उसके बाद रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर है, उसके बाद रिमूवल ऑफ अदर मेटाबॉलिक वेस्ट है। तो तीन मेन चीज़ें, सबसे पहले आपकी एडिंग है रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। तो तीन चीज़ें जो पौधों के अंदर पैदा होती हैं एंड दैट आर रिमूव फ्रॉम देयर बॉडी, दैट इज़ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड। अगर दिन के टाइम देखें तो देयर इज़ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड पौधे यूज़ करते हैं, ऑक्सीजन को एनवायरनमेंट में रिलीज़ कर रहे होते हैं। यानी दो प्रोसेस हो रहे होते हैं वहाँ पर, सेलुलर रेस्पिरेशन भी होगी और फोटोसिंथेसिस भी होगी। सेलुलर रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है जो कि प्लांट यूज़ कर लेते हैं फोटोसेंसिस में। फोटोसेंसिस में ऑक्सीजन यूज़ होती है, पैदा होती है जो कि पौधे यूज़ कर लेते हैं रेस्पिरेशन के दौरान। इसके मतलब है दिन के टाइम ये वेस्ट मटेरियल नहीं होंगे। कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हो जो एनवायरनमेंट से ले रहे हैं प्लांट, उसको भी यूज़ किया जा रहा है, ऑक्सीजन को भी यूज़ किया जा रहा है। इट्स मीन दे आर नॉट वेस्ट मटेरियल। रात के टाइम अगर आप देखें तो रात के टाइम फोटोसिंथेसिस नहीं होती, सिर्फ ऑक्सीजन ही पैदा होती है और ऑक्सीजन रिमूव होती रहती है। रात के टाइम ऑक्सीजन पैदा नहीं होगी बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होगी। कार्बन डाइऑक्साइड विल रिमूव, इसलिए प्लांट्स के नीचे रात के टाइम नहीं सोना चाहिए, दैट इज़ डेंजरस। तो उसके बाद है रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर। प्लांट्स अपनी जड़ों के ज़रिए पानी को सक कर लेते हैं, फिर उसको स्टोर कर लेते हैं फॉर देयर टर्जिडिटी, ताकि उनके अंदर तनाव रहे, उनके अंदर मजबूती रहे। उसके बाद जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो प्लांट उसको एयर में ट्रांसपायर कर देते हैं। तो पौधों के पत्तों में से पानी का रिलीज होना, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसपायरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक ट्रांसपायरेशन है और एक गटेशन है। ट्रांसपायरेशन में अगर आप देखें तो पौधों के पत्तों से पानी लगातार एवेपोरेट होता रहता है। अगर आप किसी पार्क वगैरह में जाएं तो वहाँ पे आपको कूलिंग फील होती है, यू फील आपको अच्छा लगता है बिकॉज वहाँ पे पानी एवेपोरेट हो रहा है, तो आप अच्छा फील करते हैं। दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसपायरेशन, जो एक्स्ट्रा पानी है वो रिमूव हो जाएगा। उसके बाद गटेशन की टर्म है, वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ ग्रासेज ऐसे हैं जो पानी को जड़ों में के ज़रिए अब्जॉर्ब करके एक्स्ट्रा वाटर को फोर्स करते हैं, वो उनके पत्तों के ज़रिए बाहर आ जाता है इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स, दैट इज़ कॉल्ड गटेशन। गटेशन और एक और चीज़ ड्यू, इनमें भी फ़र्क है कि गटेशन वो पानी है जिसको पौधे खींच के जड़ों के ज़रिए तने में, फिर पत्तों में, और पत्तों से उसको बाहर निकाल देते हैं इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स, दैट इज़ कॉल्ड गटेशन। ड्यू अगर आप देखें, रात के टाइम कंडेंसेशन होती है आमतौर पे ठंडे मौसम में, गर्मियों में ये नहीं होता प्रोसेस। तो कंडेंसेशन में ये है कि हवा की जो नमी है वो पानी बन जाएगी और उस घास के ऊपर आपको सुबह के टाइम जब आप देखेंगे आपको नज़र आएगी, दैट इज़ कॉल्ड ड्यू। तो ये तीन टर्म है, ट्रांसपायरेशन, गटेशन और ड्यू, तो ये आपको इसका पता होना चाहिए। इस तरह एक्स्ट्रा कुछ प्लांट्स के अंदर वेस्ट मटेरियल्स पैदा होते हैं, एक्स्ट्रा मेटाबॉलिक वेस्ट। एक्स्ट्रा मेटाबॉलिक वेस्ट अगर आप देखें तो कुछ पौधे उसको स्टोर कर लेते हैं अपने पत्तों के अंदर हार्मलेस मटेरियल के तौर पर, और जब कभी ज़रूरत पड़ेगी या जब कभी वो प्लांट उसको पत्तों को शेड करेंगे, गिराएंगे, तो वो साथ साथ उसके एक्स्ट्रा मेटाबॉलिक वेस्ट भी ज़ाया हो जाते हैं। इस तरह कुछ और प्लांट्स हैं इनके अंदर वेस्ट मटेरियल भी कह सकते हैं, जैसे रेजिनस कोनिफेरस ट्रीज के अंदर पैदा होती है, गम्स कीकर के अंदर पैदा होती है, और लेटेक्स रबर प्लांट के अंदर पैदा होती है, और म्यूसीलेज कार्निवोरस प्लांट्स एंड लेडी फिंगर के अंदर। तो म्यूसीलेज में जब आप भिंडी को काटते हैं तो उसमें आपको चिपचिपाहट महसूस होती है, दैट इज़ म्यूसीलेज। तो ये वेस्ट मटेरियल हैं जो कि प्लांट्स के अंदर पैदा होते हैं। कुछ प्लांट के अंदर जिनके पत्ते गिरते हैं, अगर कोई वेस्ट मटेरियल है तो वो पत्तों के अंदर एकमुलेट हो जाता है, पत्ते गिरेंगे तो वो वेस्ट मटेरियल भी बॉडी से बाहर चला जाता है।
तो ये आपने पेज नंबर 18, 19 और 20, इसके ऊपर वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। पहले सबसे पहले होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन है, होम्योस्टेसिस में भी डिफाइंड से लेके और ये आपका सराउंडिंग एयर टेम्परेचर तक। इसके ऊपर दो एग्जांपल्स हैं, एक 37 डिग्री वाली है और एक ग्लूकोज, आपने दोनों करनी है। उसके बाद ओस्मो रेगुलेशन की डेफिनेशन है, मेंटेनेंस ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर एंड साल्ट्स इन द बॉडी। वी नो दैट रिलेटिव अमाउंट ऑफ वाटर एंड साल्ट बॉडी फ्लूइड्स एंड इन साइड सेल कंट्रोल द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। ये शॉर्ट क्वेश्चन आपके दो हो गए। तीसरा क्वेश्चन आ सकता है बड़े, थर्मो रेगुलेशन द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मो रेगुलेशन। द एंजाइम ऑफ द बॉडी वर्क बेस्ट पार्टिकुलरली टेम्परेचर्स और एट एनी चेंज द बॉडी टेम्परेचर में इफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम एक्सक्रीशन। तो ये तीन आपके क्वेश्चन नंबर 1 होम्योस्टेसिस, ओस्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, ये तीन शॉर्ट क्वेश्चन, चार शॉर्ट क्वेश्चन बल्कि बन सकते हैं। और इस अगर आप इसका लॉन्ग है तो फिर आप लॉन्ग में सारा का सारा लिखेंगे। उसके बाद होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स है, तो डे टाइम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन इज यूटिलाइज इन फोटोसिंथेसिस एंड हेंस इट इज नॉट वेस्ट प्रोडक्ट। एट नाइट इट इज सरप्लस बिकॉज देयर इज नो यूटिलाइजेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज रिमूव फ्रॉम द टिश्यू सेल बाय डिफ्यूजन। लीव्स एंड यंग स्टेम्स कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप आउट थ्रू स्टोमेटा, इन यंग रूट्स कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस थ्रू द जनरल रूट सर्फेस स्पेशली थ्रू द रूट हेयर्स। ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस इन मेसोफिल्स एंड ओनली ड्यूरिंग डे टाइम एज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। आफ्टर इट्स यूटिलाइजेशन इन सेलुलर रेस्पिरेशन इट्स मेसोफिल सेल रिमूव द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन थ्रू स्टोमेटा। रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर आपको बता चुके हैं, किस तरह पानी पौधे पानी को फोर्स करते हैं बॉडी से बाहर और एग्रीगेशन, और ये प्रोसेस कहलाते हैं ट्रांसपिरेशन। उसके बाद रिमूवल ऑफ अदर मेटाबॉलिक वेस्ट, अगर आप देखें तो यहाँ दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, एक ट्रांसपिरेशन है, एग्रीगेशन है। ट्रांसपिरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट सरफेस इन द फॉर्म ऑफ वेपर, साइड पर अगर आप देखें। और एग्रीगेशन इज नॉट टू बी कन्फ्यूज विद द ड्यू विच कंडेंसेस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर ऑन द प्लांट सरफेस। उसके बाद एक्स्ट्रा मेटाबॉलिक वेस्ट है, कुछ प्लांट कैल्शियम ऑक्सलेट को जैसे कि टमाटर है अपने पत्तों के अंदर स्टोर कर लेते हैं और उसको वो हार्मलेस मटेरियल होता है, उससे उसको कोई नुकसान नहीं होता। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद अगर आप देखें कुछ प्लांट्स के अंदर जैसे कि रेजेंस के अंदर, रेजेंस कॉनिफर्स प्लांट प्रोड्यूस करते हैं और गम्स कीकर के अंदर पैदा होती है, लेटेक्स बाई रबर प्लांट और म्यूसिलेज बाई, तो ये सारी की सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। और ये चैप्टर आपका सारा इंपॉर्टेंट इस लिहाज से बिकॉज में से लॉन्ग क्वेश्चन आपका कन्फर्म आता है। तो इसको आपने पेज नंबर 18, 19 और 20 देखें ज़रा, ये तीन पेजेस हैं, इनको आपने एक तो लर्न करना है। आरपी के लिए आपको जो हम काम देंगे वो अभी आपको, एक तो आपने रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, और प्लस रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर। दो चीज़ें आपने इसकी आर भी करनी है, लर्न आपने सारा करना है, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है होम्योस्टेसिस का। मतलब दोबारा भी आप एक बार बता देते हैं कि इसके बावजूद आपकी इन्वायरमेंट में बहुत सारी चेंजेस आ रही हैं लेकिन आपकी बॉडी का टेम्परेचर और बॉडी के अंदर बाकी फ्लूइड्स की मकदार सेम रहती है, दैट इज़ होम्योस्टेसिस। ओके, बेस्ट ऑफ लक, वी विल मीट नेक्स्ट टाइम।